रेलवे ट्रैक पार करना महिला को पड़ा महंगा। आपको बता दें कि शेखपुरा खालसा के रहने वाले पति पत्नी सुबह दवाई लेने के लिए पानीपत की ओर आ रहे थे। घरोंडा व कोहंड फाटक के बीच दर्दनाक हादसा पेश आया और ट्रैक पार करते समय बाइक पर सवार पत्नी मोनिका की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया। पति मनफूल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह सुबह के समय दवाई लेने के लिए पानीपत के निजी अस्पताल में आ रहे थे कि रास्ते में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय पत्नी ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं और मेरी घरवाली जा रहे थे रेलवे क्रॉस के एक्सीडेंट हो गया, पानीपत दवाई लेने के लिए जा रहे थे। किस जगह पे अपनी हुई घटना है, कहाँ पे घटना हुई है? शेखपुरा खालसा कुत्तवाड़ी फाटक। उनके 3 मासूम बच्चे हैं जिनके सर से माँ का साया उठ गया। वही जांच अधिकारी ईश्वर ने बताया कि महिला मोनिका की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया। ये जो लाइन क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था इनका, इसके गाड़ा साथ था, ये गाड़ी से टकरा गई अपन। कहाँ के रहने वाले थे? किस शेखपुरा गांव के रहने वाले जी। यहाँ पानीपत में आए हुए थे? नहीं, ये अपना दवाई दूध लेने के लिए जा रहे थे गुरुंदा। अच्छा जी, हाँ। कहाँ से जा रहे थे? ये गांव से चल रहे थे, उस लाइन से, फाटक से, अपना सड़क से जी। फिर अपना गाड़ी स्पेट में आ गया अचानक। कहाँ पे हुए हादसा? ये बुत वाली फाटक बोलते हैं उसके ऊपर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।